हर हर महादेव। देखिए इंदु मुंद्रा जी हैं अमेरिका से, वैश्य परिवार से। इनका बड़ा ही रोचक प्रश्न है। इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे शास्त्रों में फलश्रुति क्यों होती है, जैसे विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र है और भी कई स्तोत्र हैं, पुराण आदि हैं, तो उनमें पीछे से फलश्रुति रहती है कि भाई इस कर्म को करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है, फलश्रुति का क्यों फलश्रुति होती है, इसका उद्देश्य क्या है। देखें इसका समाधान समझें। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि फलश्रुति क्यों होती है, इसका उत्तर है कि रोचनार्थाः फलश्रुतिः, रोचन करने के लिए, जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, उसमें प्रवृत्त कराने के लिए फलश्रुति होती है। इसको फलश्रुति को एक अर्थवाद भी कहा जाता है, स्तुति अर्थवाद और निंदा अर्थवाद, दो अर्थवाद होते हैं। किसी कर्म से विरत करने के लिए, उसमें उससे व्यावृत करने के लिए, उसको हटाने के लिए वो जीव ऐसा न करे तो उसके लिए उसमें लिखा रहता है, निंदा अर्थवाद रहता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नरक की प्राप्ति होगी, इतने जन्म इस योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा दुख प्राप्त होगा रहता ना, ताकि वो पाप न करे। और ये जो धर्म में प्रवृत्त करने के लिए, जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, ये श्रुति भगवती जब जीव को निराश देखती है तो जीव के है ना निराशा पिशाची का दमन करने के लिए और आशा कल्पलता को अंकुरित करने के लिए फलश्रुति का प्रतिपादन करती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज कहते हैं कि ये रोचनार्था फलश्रुति, ये जिस तरीके से, अब यहां देखिए एक प्रश्न देखिए उसका समाधान धर्म सम्राट के शब्दों में देखिए, उन्होंने जैसे किया है वैसे, कि फलश्रुति रहती है कि भाई इसका पाठ करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जीविका की प्राप्ति होगी, तो किसी व्यक्ति ने वो पाठ किया, पूजा की, तो क्या उसको वही फल मिलेगा और बस, और कुछ फल नहीं मिलेगा? बोले ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो भी साधना की जाती है, शास्त्रीय साधना का सम्यक फल है भगवत प्राप्ति, भगवदानुराग अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम होना, ये ही समस्त वेदों से लेकर के और वेदानुयायी जितने भी ग्रंथ वांग्मय है उन सबका यही फल है, चाहे वो तांत्रिक हो, तंत्र ग्रंथ हो, चाहे स्मृति ग्रंथ हो, पुराण ग्रंथ हो, निबंध ग्रंथ हो, या जो है भाष्य ग्रंथ हो, सबका फल यही है कि उस वेद के विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए और उनका अंतिम भगवत प्राप्ति ही उद्देश्य है। तो फिर इसमें रहता है कि भाई ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसी सुंदर पत्नी मिलेगी, सुंदर पुत्र होगा, ऐसा ऐसा जीवन होगा, ये सब होगा। तो फिर बोले कि ये भी होता है, ये झूठा नहीं है, ये होता है और महाफल है भगवान की प्राप्ति, तो दोनों होते हैं। बोले हाँ दोनों होते हैं, यद्यपि सर्वोत्तम कार्य तो वही है कि नैष्कर्म्य रूप से किए जाए, है ना, उनका कोई फल प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए ही ये कर्म किए जाए। लेकिन जीव किससे कहेगा, उसका कौन है, जीव को सब कुछ चाहिए, तो अब हम देखिए यूं समझिए कि हम किससे कहें, अगर हमको कोई चीज चाहिए तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे ना, तो वो जिसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं तो वो भगवान से ही तो प्रार्थना करेगा। तो अगर उसको यही लौकिक फल मिल जाए तो साधना तो व्यर्थ हो जाएगी। बोले ऐसा नहीं है,
तो इस समय धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पाद्री महाराज इसका समाधान करते हुए यूं कहते हैं कि देखिए कि जिस तरीके से एक मां और बालक को रुग्ण अवस्था में और कड़वी दवा पिलाना चाहती है और बालक पीना नहीं चाह रहा, भाई कड़वी दवा कौन पिएगा, सब डरते हैं, लेकिन फिर माँ उसको लोभ देती है, माने कि एक फलश्रुति कहती है कि भो पुत्र गुड़ूचीम पेवा मोदकम दास्यामि, अरे पुत्र तू जो है ये कड़वी दवा गुड़ूची माने गिलोय, ये इसका नाम अमृता भी है, बोले इसको तू पी जा और मैं तुझको मोदक लड्डू दूंगी। तो बालक उस कड़वी दवा का फल ये समझता है कि लड्डू मिलेगा, चलो इसको पी लो लड्डू मिलेगा, लेकिन मां समझती है क्या उस कड़वी दवा का फल वो लड्डू पाना है, अरे उसका फल तो है रोग की निवृत्ति, वो दवा तो इसलिए दी जा रही है ताकि रोग की निवृत्ति हो जाए, और पर बालक समझ रहा है कि वो हमको जो है मोदक मिल जाएगा, और होता है जब वो दवा पीता है तो उसका वो रोग निवृत्त हो जाता है, परंतु माँ उस लड्डू को भी देती है, मोदक भी प्रदान करती है, यदि वो माँ मोदक नहीं दे तो क्या होगा, तो वो फिर नहीं पिएगा, अरे तू झूठ बोलती है, तूने कल जो कह दिया था अब हम नहीं पी रहे, अब नहीं पिएगा, तो इसलिए वो माँ मोदक भी देती है, तो ये आनुषंगिक फल है, तो वो उस दवा का फल हुआ उस रोग की निवृत्ति और उस जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, ताकि ये कल फिर पी ले वे, आगे फिर भी कभी कोई बात मान ले, इसलिए वो तात्कालिक फल आनुषंगिक फल जो उसकी इच्छित फल है उसको मोदक को भी देती है। तो ठीक इसी प्रकार श्रुति भगवती में जो जो फल श्रुतियां कही गई हैं, तो जिस जिस उद्देश्य से लौकिक उद्देश्य से जो जीव हम लोग जप तप अनुष्ठान पाठ आदि करते हैं तो उसका वो फल तो मिलता ही है, ये तो आनुषंगिक फल है, लेकिन इसका जो महाफल है जो है भगवत अनुराग भगवत भक्ति भगवत कृपा वो भी प्राप्त होता है। तो इसलिए लिखा है श्रीमद् भागवत में कि रोचनार्था फलश्रुति ही, जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से व्यावृत करने के लिए उसे हटाने के लिए स्तुत्यात्मक और निषेधात्मक ये जो है जो प्रीति देने वाले प्रसन्नता देने वाले इच्छित फलों को देने वाले ऐसे वाक्यों के द्वारा तथा भय प्रदान करने वाले नरक इत्यादि का और महान दुख की अनुभूति कराने वाला ऐसे ऐसे वाक्यों को प्रतिपादित करने वाला ये जो शास्त्र वांग्मय है उसमें ऐसा ऐसा ये जो फलश्रुति का क्रम रहता है वो फलश्रुति रहती है। तो इसलिए ये फलश्रुति शास्त्रों में दी गई है ताकि हम शास्त्र में वेदों में कहे गए जो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है उसमें और शास्त्र से युक्त कर्मों को करें और निषिद्ध कर्मों का त्याग करें। हर हर महादेव।